नमस्कार, महाराष्ट्र टीवी 24 के धार्मिक विशेष में आप सभी का स्वागत है। कार्तिक मास में दीपदान करने का विशेष महत्व है। इस महीने में मंदिरों, तुलसी और आंवले के पेड़, नदी, कुएं, बावड़ी, पोखर और तालाब के पास दीपदान किया जाता है। स्थानों पर दीपदान करने से अक्षय पुण्य प्राप्त होता है। हिंदू धर्म में कार्तिक का महीना अत्यंत पवित्र माना जाता है। विशेष रूप से भगवान विष्णु या वैष्णव परंपरा के अनुयायियों के लिए यह महीना चातुर्मास का अंतिम चरण में होता है और इसे शुभता और देवत्व का प्रतीक माना जाता है। इस दौरान धन और धार्मिक कार्यों के लिए कई विशेष उपाय किए जाते हैं, जैसे कि तुलसी का पौधा लगाना और उसका विवाह करना। इस साल कार्तिक मास का आरंभ 18 अक्टूबर से हुआ है, जो 15 नवंबर तक चलेगा। इस महीने में भगवान श्री कृष्ण के दामोदर रूप की विशेष पूजा की जाती है। जब श्री कृष्ण छोटे बच्चे थे, तब वे गोकुल में माता यशोदा के साथ रहते थे और अपनी बाल लीलाओं से सभी का मन मोह लेते थे। माता यशोदा उन्हें रोकने के लिए अक्सर रस्सी से ओखली में बांध देती थी। दामोदर नाम का अर्थ है रस्सी से बंधा हुआ, जो इस स्वरूप को उपयुक्त बनाता है। हिंदू कैलेंडर के अनुसार कार्तिक मास वर्ष का 8वां महीना है, जो भगवान कार्तिकेय के नाम से जाना जाता है। इस महीने को दामोदर मास भी कहते हैं, क्योंकि इसका श्री कृष्ण से गहरा संबंध है। श्री भगवत गीता और विष्णु पुराण में उल्लेख है कि कार्तिक मास भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है। इसे देव पक्ष भी कहा जाता है और यह कई त्योहारों जैसे दीपावली का संचार करता है। इस महीने में तुलसी विवाह का आयोजन भी होता है, जिसमें तुलसी के पौधे के चारों ओर दीप जलाए जाते हैं। इसके अतिरिक्त भगवान कृष्ण को घी के दीपक अर्पित करने की परंपरा है। दीपक हमारी आंतरिक ज्ञान की ज्योति को दर्शाते हैं। इस महीने में हर दिन एक दीपक जलाने की परंपरा है, जो हमें अपनी बुद्धि और ज्ञान को समझने तथा अपने आत्मिक विकास की ओर से प्रेरित करती है। कार्तिक माह में सर्दी का मौसम शुरू हो जाता है, ऐसे में जरूरतमंदों को कंबल और ऊनी कपड़े का दान करें। कार्तिक माह में जरूरतमंद लोगों को धन, अनाज, कपड़े और ऊनी वस्तुएं दान करें। गौशाला में गायों की देखभाल करें, गायों के लिए धन दान करें। इस महीने में तुलसी, अनाज, गाय और आंवले के पौधे के दान का विशेष महत्व है। जो व्यक्ति मंदिर में, नदी तट पर, सड़क पर अथवा जहां शयन करता है, वह दीप दान करता है, उसे सर्वव्यापी देवी लक्ष्मी की प्राप्त होती है। जो कोई भी मंदिर में दीपक जलाता है, उसे विष्णु लोक में स्थान मिलता है। मान्यता है कि जो व्यक्ति किसी सुदूर स्थान पर दीप दान करता है, उसे भी नरक नहीं जाना पड़ता। इस महीने केले और कंबल का दान करना अति उत्तम है। सुबह के समय भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए और रात के समय दीप दान करना चाहिए। कार्तिक महीना भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी के लिए खास होता है। इस दौरान भगवान विष्णु योग निद्रा से जागते हैं, जिससे सृष्टि में खुशहाली और कृपा की वर्षा होती है। इस माह में देवी लक्ष्मी धरती पर भ्रमण करती है और भक्तों को धन देती है। धन त्रयोदशी, दीपावली और गोपाष्टमी जैसे पर्व इस महीने में मनाए जाते हैं, जिससे धन की प्राप्ति और कर्जों से मुक्ति का मार्ग खुलता है। महाराष्ट्र टीवी 24 के धार्मिक विशेष में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए महाराष्ट्र टीवी 24। ताई, ये क्या तुमचा सिलेंडर? ताई, कोने से तरी मैसेज आले बघ। मैसेज? हा, मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजनेची रक्कम ट्रान्सफर झाल्याचा मेसेज आहे। राज्यातील महिलांच्या सक्षमीकरणासाठी आणि स्वच्छ इंधनाची पूर्तता करून महिलांच्या आरोग्याचे रक्षण करण्यासाठी महाराष्ट्र शासन सादर करीत आहे मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजना। योजनेअंतर्गत पात्र महिलांना वर्षाला 3 LPG सिलेंडर मोफत मिळणार। लाभाची रक्कम महिलांच्या बँक खात्यात जमा होणार। घराघरात अन्नपूर्णा, घराघरात आनंद।